बड़ा मुकाबला और मुकाबले की शुरुआत घोषित वाली का फिर एक बार अरवंडी संघ ने अपना प्रतिनिधि दिशा से भटकते हुए ऑप्शन पर बाहर जाता हुआ आगे नगर का मुकाबला है। यहाँ से जो हारने वाली टीम है ना उसे दुख होता है। हवा में गेंद जरूर यहाँ पर फील्डर मौजूद और यह दूसरी सफलता मिलती हुई आपका को ये पावर प्ले की जो सोच है ना ये आप ड्राइव करे लॉन्ग ऑफ पे खेल सकते हैं। फिर एक बहुत बड़ा शॉट इसको कोई नहीं रोक सकता। आदमी देखो कितना बड़ा रोकना इतना आसान नहीं है। पहला छक्का यहाँ पर कुर्मे के बल्ले से निकलता हुआ शेखर कुर्मे के बल्ले से निकल यहाँ पर 6 रन के सहायता से स्कोर हुआ है 7 रन। फिर एक बार समझ नहीं पाए अतिरिक्त भूचाल यहाँ पर बाकी स्कोर बोर्ड पे स्कोर है 2 विकेट के नुकसान पर 7 रन यहाँ पर फिर जरूर हुआ है लेकिन अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं। अंपायर जानते हैं कि आप किस तरह से किस लाइन से लेन लाइन से गेंदबाजी करते तो नीचे टीम तो मुझे दुख हुआ था क्योंकि सेमीफाइनल में जाने का ये रास्ता है तो यहाँ से अगर आप हारते हो तो सब इतना दुख नहीं होता। फाइनल में हारते हो तो भी दुख नहीं होता। तो यहाँ पर भी बस शॉट खूबसूरती के साथ फील्डर रहा थे मौजूद कोई चूक नहीं अभिषेक को यहाँ पर सफलता मिलती हुई जिस तरह से जिस लय से जिस गति से जिस दिशा में अब पाने गेंदबाजी की बिल्कुल भी हार नहीं होती। आपकी जय जयकार होनी है तो आपको कुछ कारनामा करके दिखाना चाहिए तो मुझे बड़ा सम्मान देती है ये बात आपको करनी होगी। एक साझेदारी की आवश्यकता जी हाँ कोई खेलने का मौका नहीं। चकमक में अगर आप देखोगे जो प्रोफेशनल क्रिकेट है उसमें अगर आप देखोगे तो ज्यादा करके लेफ्ट गेंदबाज है। मेरे साथी है महेश जानते ही होंगे कि लेफ्ट गेंदबाज का कितना हिस्सा एक अगर आप आत्मविश्वास बढ़ते हो ना तो आप जो निर्णय लेते हैं ना वो निर्णय सही होते हैं। फिर एक बार डीप स्क्वायर लेग की और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की और गेंद जाती हुई यहाँ पर फील्डर वहां पे तैनात लेकिन देर में पिटाई कर लेते हैं गेंदबाज के तो अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। अतिरिक्त ऊंचा यहाँ पर मिलता हुआ अंपायर द्वारा नो का इशारा जी बिल्कुल पता है तो कृपा करके खिलाड़ी कोई अपील ना करे ज्यादा करके। फिर एक बार लेग साइड के बीच डिप बैकवर्ड के दिशा में गेंद खेलते हैं फील्डर वहां पे मौजूद यहाँ पर आसानी से पकड़ते हैं लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। संतोष कुर्मे द्वारा ये दिखाते वक्त सभी नजर आ रहे अपना कला का काफी ज्यादा होते हैं तो यहाँ पर एक दबाव सा होता है एक परफॉर्मेंस देने की अच्छी परफॉर्मेंस देने की ये चाहिए। दिशा और गति का इस्तेमाल गेंदबाज कर रहे तो आपको भी गेंदबाज की कमी को ढूंढने चाहिए तो गेंदबाज को यहाँ पर मजबूर करना चाहिए कि वो गलत गेंद फेंके जिसका फायदा बॉल 18 रन यहाँ पर स्कोर पूरा फिल्टाज गेंद यहाँ पर डीप में विकेट डीप स्क्वायर लगते वहां पर फिर गलती यहाँ पर हो चुकी है नुकसान भुगतना पड़ा 4-3 रन अतिरिक्त मिलते हुए इस वक्त काफी स्कोर हुआ है 22 रन अभी भी एक ओवर बाकी है तो निश्चित रूप से 40 रन हो सकते हैं। ओवर समाप्ति की घोषणा अंपायर 22 रन अभी भी 6 गेंदे शेष है। मैं एबी डिविलियर्स के बारे में बात करना चाहूंगा दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी क्या बेहतरीन वे फील्डिंग करते हैं क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं जिन्होंने है ना कि क्रिकेट में बदलाव लाने में यहाँ पर सबको अनिवार्य किया क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं ना बल्लेबाज यही सोच गेंदबाज यही सोचता है कि भाई इसको आउट कैसे किया जाए ये आउट हो जाएगा तो मैं बच जाए कोई भी गेंद उन्हें फेंके वो हर एक गेंद का सामना करने के लिए निर्भर रहते हैं यानी तैयार होते हैं वो अपने आत्मविश्वास अपने दम पे करते हैं तो निश्चित रूप से ये बदल हो रहा है। यहाँ पर आउट स्विंग यहाँ पर मिलती हुई अतिरिक्त गेंदें आप ज्यादा फेंकते हो तो निश्चित रूप से एक दबाव का कारण होता है। यहाँ पर सूझबूझ की गेंदबाजी सम्मान के साथ खेला कुर्मे ने जी हाँ कुर्मे ने अच्छा काम निभाया है अपनी जिम्मेदारी काफी अच्छी ढंग से निभाई है क्योंकि शेखर संदीप जैसे बल्लेबाज ने 4 गेंदें शेष है तो कुछ भी हो सकता है। फुल टॉस गेंद जरूर थी अपील जरूर हुआ है उम्मीद थी दुर्घटना घटी इस बार नहीं बचे महेश
नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है गुलदस्ते की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है, तो यहाँ पर इंतजार करना होगा आखिरी स्कोर तो हो सके। तो निश्चित रूप से अभी गेंदबाज की गेंदबाजी करने लायक है भारी। यहाँ पर अभिषेक का मुकाबला करना इतना आसान नहीं रहा हो सकता है, और अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाज पे दबाव का कारण होते है क्रिकेट में, ये सूत्र है, नियम है। फुल टॉस गेंद, फिर एक बार एक रन आसानी से चुरा लिया, एक रन के सहायता से स्कोर हो चुका है 29 रन। इस पारी की समाप्ति, पहले पारी की समाप्ति के बाद क्वार्टर फाइनल में स्कोर हुआ है 30 रनों का। लक्ष्य का पीछा करने के लिए स्ट्राइक पे आए आप्पा, जिन्होंने लेफ्ट साइड के दिशा में खेल दिया, बाउंड्री लाइन की ओर गेंद जाती हुई फील्डर गेंद के पीछे। देखना यह है कि रोकने में कामयाब, तब तक 3 रन लेने में कामयाब हो चुके हैं आप्पा, यानी कि अच्छी शुरुआत यहाँ पर, अच्छी शुरुआत जरूर यहाँ पर करेंगे, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी को हम हमेशा सलाम ठोकते हैं कमेंट्री बॉक्स से। तो निश्चित रूप से सलाम तो ये बात होती है, लड़ाई जारी रखनी होती है। अतिरिक्त ऊंचा यहाँ पर हम पार द्वारा वाइट का इशारा, उससे आपको हर संभव प्रयास करना होता है, यहाँ पर प्रयास करना। हवा में गेंद, जरूर फील्डर वहां पर मौजूद, पहला झटका नहीं लग सकता, फील्डर पहुंच नहीं पाया, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए, काफी फायदेमंद इस वक्त 2 रन। तीसरा रन लेना चाहते थे आपका, लेकिन आराम क्या महत्वपूर्ण है। अभिषेक लेता बल्लेबाज, फिर एक बार खेल दिया उसे हवा में गेंद, जरूर देखना यह है बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 6 रन इस बार, और शानदार छक्के का बदल स्कोर हुआ है। पापा ने जरूर बताया होगा एक साझेदारी होनी चाहिए, फिर एक बार गलती हो चुकी है, देखना है यह अपील हो चुकी है। समझ नहीं आए इस गेम को, मुझे पावर प्ले का ये फुल टॉस गेंद, जरूर थी यहाँ पर वो फायदा लेना चाहते थे ज्यादा, लेकिन थोड़ी गलती का फायदा जरूर उठाया है हल्की। फिर एक बार बल्लेबाज तैयार, अभिषेक आगे आकर खेला बेहतरीन शॉट, इस बार नहीं रुकोगे, गेंद को नहीं रोक पाएंगे, बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद 6 रन। और ब्राइन क्या खूबसूरत यहाँ पर शॉट खेल दिया यहाँ पर, फिर एक बार अच्छी गेंद अतिरिक्त ऊंचा लिया, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे ही गेंद में ज्यादा फायदा होता है। हवा में गेंद, जरूर पहला झटका यहाँ पर लगा, अभिषेक के रूप में ताकत नहीं लगाई, टेक्निक शॉट खेलने का प्रयास किया और यहाँ पर झटका लगा, पहले ही सफलता यहाँ पर मिलती हुई हरमन जी को। स्टॉल बंद हो चुका है, लेकिन कल आपको इसे इनाम मिल जाएगा 10 वड़ा पाव, वो भी गर्मा गर्म। मुंबई की पहचान वड़ा पाव है, महाराष्ट्र की पहचान वड़ा पाव है, तो निश्चित रूप से वो वड़ा पाव के हकदार बन चुके हैं। अब दूसरा ओवर जारी है, अप्पा कदमों का इस्तेमाल करते हुए खेलना चाहिए, हवा में गेंद जगह गगन चुंबी हो सकता है, फील्डर गेंद के नीचे सामान्य नहीं लगा, आसान नहीं लगा, बचा लिया कैमरे, जो कैमरा है बीच में उसके वायर को लगी ये गेंद, तो भाग्यशाली रहे, किस्मत रहे, क्या क्या गुना खूबसूरत यहाँ पर। थर्मियान की ओर गेंद जाती हुई 4 रन, खुश किए, इसी वजह से मैं बार बार उनका जिक्र कर रहा हूँ। क्वार्टर फाइनल जे संघ पराजित होतील त्यांनी उद्या बक्षीस वितरण सोहळ्याच्या वेळी उपस्थित राहायचे। स्कोर ले पूरी तरह से कहना चाहूंगा कि गोद से तो हारी बन सकती है, केवल मात्र औपचारिकता बाकी है, स्कोर बराबर ही होगा, एक यहाँ पर सौभाग्य होगा, लेकिन कितनी देर बचोगे आप